आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस मौके पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो राजधानी पटना स्थित दीघा घाट पर उमड़ी है, जिस वजह से जो महाजाम है वो राजधानी पटना में लग गया है। दीघा की बात करें या फिर दीघा को जोड़ने वाली हाजीपुर जेपी सेतु की, वहाँ पर भी ये जो महाजाम है वो लगा हुआ है और हजारों हजार की संख्या में जो गाड़ियाँ हैं वो जाम में फंसी हुई है। देखिए कितने देर से फंसे हैं, आधा घंटा से। कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं सुखना मोड़ से, गंगा स्नान। देखिए गंगा स्नान करने जो लोग पहुंच रहे हैं वो लोग यहां फंसे हुए हैं। तकरीबन सुबह के 6 बजे से ही जो श्रद्धालुओं की भीड़ थी वो उमड़ी थी और जो जाम है वो लग गया था। गंगा स्नान करने जा रहे हैं जी, कितना देर से फंसे हैं? आधा घंटा। देखिए आधे घंटे से है और ये कमोबेश जो तस्वीरें हैं ये बता रही है कि जो गाड़ियों की संख्या है वो इतनी ज़्यादा हो गई कि प्रशासन ने जो इंतज़ाम किए वो फेल हो गए। गंगा स्नान करके आ रहे हैं? नहीं, हम तो यहीं रहते हैं। गंगा स्नान करके जी कितने बजे आई थी? हम लोग सुबह 8 बजे के आसपास, 7:30 के आसपास आए हैं। इतना टाइम क्यों लगा? जाम है, जाम है सर, देख रहे हैं पूरा जाम ही है, पूरा जाम है। जी बिल्कुल, दीघा घाट तक जाम है, दीघा घाट तक जाम है। पूरा जो व्यवस्था प्रशासन का था वो कहीं ना कहीं अब फ्लॉप हो गया। इतनी भरी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान करने कार्तिक पूर्णिमा में दीघा घाट पहुंचे। आर्यन आनंद, ABP News, पटना।